हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है अगर हम कंडक्टर्स की बात करें उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट किए हैं इस वीडियो में जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करें यहाँ पे ग्राफ है ग्राफ शोज दैट रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिस इज नॉट टाइम दिस इज टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे मेरी रेजिस्टिविटी कॉपर की चेंज हो रही है इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी इनिशियली इट्स इंक्रीजिंग स्लोली एंड देन इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस रेजिस्टिविटी so, बहुत बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर काफी बढ़ा देते हैं कॉपर का तो अगर हम बात करते हैं नाइक्रोम की नाइक्रोम इज एन अलॉय इसमें इतना इतना फास्ट चेंज नहीं हो रहा हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी के, के केस में जिस तरीके से कॉपर में हो रहा है इसलिए हम जो लैब uh, में जो वायर्स यूज करते हैं रेजिस्टेंस वायर्स वो हम अलॉयस की करते हैं जैसे कॉन्स्टेंटन मैंग सो इट शोज रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ

Like, uh, it, it रिसर्च चल रही है सुपर कंडक्टर्स ऑफ मेटीरियल होते हैं मेटीरियल होते हैं होते क्या है वो जब हम किसी मेटीरियल को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं इतना ठंडा दैट वी ट्राई टू रीच एब्सोल्यूट जीरो Cryogenic Cryogenic मतलब बहुत कम टेम्परेचर्स पर हम उनको कूल cool डाउन कर देते हैं तो वो एक वो अपनी बिल्कुल उनके अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, They become super conductors. वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं और अपने अंदर से बिल्कुल भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं करने देते कंप्लीटली रिपेल द मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स एंड इस फिन को बोलते हैं

अगर कहीं सोर्स या सिंक होता चार्ज का तो वहां पर चार्ज सिंक कर जाता है सोर्स जाता है, तो करंट चेंज हो सकती थी लेकिन ये सिंगल वायर है तो करंट सेम करंट तीनों में से फ्लो करेगा तो अगर -अलग हैं, बट सेम है, तो इसका मतलब इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा अस सपोज आर वन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वी टू और आर थ्री के क्रॉस है V3.

सो नाउ सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए वैल्यू कि कितनी है वी वन इज इक्वल टू आई आर वन वी टू इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री वी कैसे रखूंगी मैं जो मैंने एक फाइनल एक बनाया है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ये वाला सर्किट इसमें देखती हूँ मैं जो मेरा वी v होगा वी इक्वल टू आई आर एस तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगी इधर तो मुझे क्या मिलेगा आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री आई से आई सारे गेट्स कैंसल तो मुझे क्या मिलेगा आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तीन हैं मेरे पास एक है, की, एक है दो ओम की और एक है ओम की। तो इसकी जगह मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहती ताकि मेरे सर्किट के पैरामीटर्स चेंज ना हो कर दूंगी सो आर एस इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स रिप्लेस दीज थ्री अ सिंगल रेजिस्टेंस इज सिक्स एंड सीरीज एंड रेजिस्टेंस तो अगर एन नंबर ऑफ हैं, तो क्या नाउ अब यहां पर देखो जो रेजिस्टेंस हमने निकाली है सिक्स ओम जो रेजिस्टेंस आई है वो वन टू थ्री तीनों से बड़ी है तो so, के अंदर इक्वल सीरीज सर्किट द लार्जेस्ट ऑफ द ऑलिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज

अब यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि जितना पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रही है ए और बी बी पर 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 देखो ए कुछ होगा, पर कुछ पोटेंशियल पोटेंशियल होगा होगा आर थ्री के क्रॉस भी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी इज सेम बट द करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ

पानी फेस करेगा तो उसमें से आसानी से फ्लो कर जाएगा तो उसमें से पानी ज्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट हो तो उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा करंट बढ़ जाता है यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू दियर रेजिस्टेंस द करंट इज डिवाइडेड नाउ व्हेन द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम बट द करेंट विल डिवाइड आई 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 वन टू एंड थ्री जो नेट करेंट ये सर्किट प्रोवाइड कर रहा है वही तो डिवाइड होगा देखते हैं मुझे क्या करना है कि इसमें एक इक्वलेंट सर्किट बनाना है इस तरीके से कि मैं सेम बैटरी अप्लाई करू सर्किट में करंट चेंज नहीं होना चाहिए तो इसके तीनों को हटाकर मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दू जिसको मैं नाम दे रही हूँ आरपी

इस सर्किट को देखकर यहाँ पर हम आई की वैल्यू रखें और इन तीनों को देख कर हम यहाँ पे आई वन आई टू आई थ्री रखें तो क्या होगा देखो यहाँ पर V है, V है तो अपॉन आर टू एंड आई थ्री विल बीवल टू वी अपॉन आर थ्री एंड यहाँ पर आई विल बीक्वल टू वी अपॉन आरपी अब ये चारों क्वांटिटीज हम रख देंगे इस फॉर्मूला में आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री में जो मैंने आगे कर रखा है सो आई विल गेट दिस फॉर्मूला upon R P is equal to V upon R one plus V upon R two plus V upon R three

एंड दिस इज फिफ्टीन ओम आई नीड टू रिप्लेस दम विदिंगल रेजिस्टेंस ताकि मेरे सर्किट में करंट चेंज ना हो और मेरी बैटरी भी मुझे चेंज ना करनी पड़े तो वन अपॉन आर पीवल टेन प्लस विच इज इक्वल टू फिफ्टीन इज थर्टी इज एल सी एम सो सिक्स प्लस थ्री प्लस टू एंड दिलेवन अपॉन थर्टी थर्टी so no, R R होता, तो होता है लेकिन काफी बच्चे ही करते हैं और जिसकी वजह से द लूज मार्क्स एंड इट्स प्लीज इसे मत करना सो पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टें इन तीनों रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दिस इज द जनरल फार्मूला 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 अप टू 1 अपॉन rn इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स देखो 30 बाय 11 आई है 30 बाय 11 कितनी होती है लगभग

मुझे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस चाहिए लेकिन मेरी लैब में वो अवेलेबल नहीं है तो मैं काफी सारी छोटी सीरीज में कंबाइन करके एक बड़ी रेजिस्टेंस बना सकती हूँ सो फ्रॉम सेव मिनिम रेजिस्टेंस इन पैरल सो दिसंकू